नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम मांडकोन, जिला देवास, मध्य प्रदेश से। ये जो गाय बाटा खा रही है, इसमें हमने 1 लीटर वेस्ट डी कंपोजिट के द्वारा बनाया गया माइक्रोन्यूट्रन इसको हम खिला रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने चाव से खा रही है। इसमें हमने 1 लीटर माइक्रोन्यूट्रन डाल दिया है। इसी तरह हम सभी जानवरों को 1-1 लीटर माइक्रोन्यूट्रन पिला रहे हैं। करीब 2 महीने हो गए हैं इस प्रक्रिया को करते करते। अभी तक किसी प्रकार की कोई समस्या जानवरों में नहीं दिख रही है। जानवर एकदम स्वस्थ और अच्छे हैं। किसी प्रकार का कोई रोग, गिचोड़ी, जूं, चिच्चड़, जो भी आप बोलते हैं, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। जानवर स्वस्थ हैं और हेल्थी भी हैं। दूध में, गौ माता के दूध में तो कोई अंतर नहीं आया, जिस तरह हमने देखा है इसको पिला के। लेकिन जो हमारी भैंस है, इसके दूध में बहुत अच्छा परिवर्तन आया है। इसका करीब इसको 1 साल 7 महीना हो गया दूध देते देते। यह भैंस हीट पे नहीं आ रही थी। जैसे ही हमने माइक्रोन्यूट्रन पिलाना चालू किया, यह भैंस 1 महीने के 1 और सवा महीने के अंदर हीट पे आ गई और 21 तारीख को यह गर्भवती भी हो गई। 21 अक्टूबर को यह गर्भवती हुई। हमने 2-2.5 महीने के लगभग इसको माइक्रोन्यूट्रन पिलाना चालू किया था। माइक्रोन्यूट्रन हमने 3 तरह की दालों से बनाया, जिसमें एक है जिसमें मसूर, उड़द और दालें ऐसी लें जिसमें बदबू ना आए। तुअर और चने की दाल को माइक्रोन्यूट्रन में ना लें। मसूर, उड़द और मूंग तीनों दालों का समावेश करें। इसके बाद 3 तरह के तेलीय सीड्स, सरसों, रई और तिल। इसके बाद गेहूं की मिट्टी, थोड़ा सा लोहा, कॉपर और जिंक, यह सभी उत्पाद हमने माइक्रोन्यूट्रन में मिलाए हैं और यही हम जानवरों को पिला रहे हैं। 1-1 लीटर सुबह सुबह 1 टाइम शानदार परिणाम है। इनके जो मूत्र से गंध आती है, उस गंध में भी, गोबर से जो गंध आती है उसमें भी बहुत अंतर हुआ है। गंध इतनी, जब हम गोबर को हाथ लगाते हैं या थेपते हैं कंडे अंडे या किसी भी प्रकार से उपयोग करते हैं, तो इतनी गंध नहीं आती है जो दूसरे जानवरों के पेशाब में या गोबर में से गंध आती है। तो आप भी वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करें, तरह तरह के उत्पाद बनाए और खेत को और अपने जानवरों को रोग मुक्त रखें।